तो कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहाँ पे आने वाले हैं। और एसपी जो देवरिया हैं वो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए खुद खेत में उतर चुके हैं। खुद देख रहे हैं आप तस्वीरें, या प्रेमचंद के घर के पास की तस्वीरें हैं, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम लड़के इस समय देवरिया पहुंच रहे हैं। और देवरिया रुद्रपुर के फतेहपुर में पहुंच रहे हैं। और वहां पे स्थिति यह है कि प्रशासन और शासन के हाथ पांव फूल गए हैं इनको मनाने में और इनको बताने में, मगर भीड़ है कि मानने का नाम नहीं ले रही है। खुद एसपी है जो खेत में उतर कर इस समय भीड़ को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं, मगर भीड़ है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। आज अखिलेश यादव देवरिया आने वाले थे, जिसकी सूचना 3 दिन पहले ही हो गई थी। और पूरे पूर्वांचल से देखा जाए तो भीड़ आज इस समय देवरिया जिले के रुद्रपुर यानी फतेहपुर में पहुँच रही है। और खुद वहाँ पर जो एसपी हैं, डीएम है, आईजी है, डीआईजी है, मतलब प्रशासन के जितने भी अधिकारियों का नाम ले लिया जाए, वो सभी लोग सुबह से ही सड़क पे आकर अब तो एसपी साहब खेत में भी दौड़ने लगे हैं। स्थिति की बात कर लिया जाए कि भीड़ को तितर बितर किया जाए, वहाँ पे कोई चारा कुछ देर में अखिलेश यादव यहाँ पे आने वाले हैं। और एसपी जो देवरिया हैं वो पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं, तो वो खुद इसी रूट का निगरानी कर रहे हैं। और जो लोग, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जो सड़क के किनारे दिख रहे हैं, उनको दौड़ाया भी जा रहा है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और प्रशासन अब नहीं चाहता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चूक हो। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि एसपी जो देवरिया हैं वो एकदम परेशान हैं और इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि कोई सुरक्षा में चूक ना हो। तो ये स्थिति देखा जाए कि यहाँ पे खुद एसपी जो निर्देश कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो यहाँ पे पहले ही घटना को अंजाम दिया जा चुका है, अब कोई ऐसी घटना ना हो। और अखिलेश यादव आ जाने वाले हैं तो वैसे भी सुरक्षा के खासा इंतज़ाम है, जगह जगह पे पुलिस फोर्स तमाम लगा दिए गए हैं। देखिए तो ये सायरन की आवाज़ देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, एसपी देवरिया हैं जो अपने लाव लश्कर के साथ एकदम लगे हुए हैं कि कोई चूक ना हो। लगना होगा